तो अब तक की हेडलाइंस आपने देख ही लिए हैं और चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं हम यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में हमारा पहला मुद्दा भगवान राम के सूर्य तिलक की। आपने आज अयोध्या से जो भव्य और दिव्य और अलौकिक तस्वीरें आई वो सभी ने देखी, कैसे भगवान सूर्य ने भगवान श्री राम के तिलक किया। लेकिन उस पर अब सियासत शुरू हो गई है और सियासत इसलिए कि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में सियासत होना लाजमी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव ने सवाल उठा दिए हैं और इस पर विवादित बयान दे दिया है। कैसे, एक रिपोर्ट आप देखिएगा, फिर इसी मुद्दे पर हमारे सवाल और उसके बाद मेहमानों से करेंगे सीधी चर्चा। आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। आज रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर भी है। पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा त्योहार, ऐसे दिन जहां से अच्छी शुरुआत होती है। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे। मैंने तो कभी किसी पूजा नहीं की, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान, मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ, पाखंडी लोग ये सब कर। राम लक्ष्मण जान के, राम लक्ष्मण जान के, राम लक्ष्मण जान के। आपने देख लिया कैसे वार पलटवार हो रहे हैं, सियासत शुरू हो गई। भगवान श्री राम का जो सूर्य तिलक हुआ, जो तस्वीरें आप सभी ने आज देखी भी है। लेकिन आज जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल, जी हाँ, महत्वपूर्ण सवाल हमारे जो राम गोपाल यादव ने सवाल उठाए है, सूर्य तिलक में राम गोपाल को क्यों दिखा है पाखंड, ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि ये पाखंड कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब सबसे बड़ी बात है कि पूरे करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं, करोड़ों की आस्था है, फिर भी वो कह रहे कि पाखंड। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण सवाल, राम काज पर विपक्ष को इतनी नफरत क्यों, या राम काज होता है उस पर विपक्ष को इतनी नफरत क्यों है, ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। और हमारा तीसरा सवाल, 24 में भी राम नाम पर वोट पड़ेगा, क्योंकि राम कर सियासत हो रही है लगातार, राम मंदिर को लेकर उस पर सियासत हो रही है, तो क्या आप जो चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, अब वोट डाले जाएंगे 19 अप्रैल से, क्या राम के नाम पर भी वोट पड़ेगा। और हमारा आखिरी सवाल, चुनावी परीक्षा में किस पर राम कृपा, या अब चुनावी जो परीक्षा शुरू होने जा रही है 19 तारीख से, अब भगवान राम की कृपा किस पर होने वाली है, क्या सियासत हो रही है, क्या वो कर रही है। तो चलिए हम इसी पर हम बात करेंगे। आप बता दें हमारे कई खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ तीन खास मेहमान रहेंगे। डॉक्टर प्रियंका मौर्य हैं बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। भुवन भास्कर जोशी जी हैं, भुवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी भी हमारे साथ, वो भी हमारे खास मेहमान जुड़ गए। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए और चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जोशी साहब आपसे, जोशी साहब एक अच्छा काम, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल, आज पूरे देश में रामनवमी मनाई जा रही है, सूर्य तिलक की भव्य तस्वीरें आपने देखी, फिर भी चीनी नुक्ता आप लोग क्यों करते हैं सर, क्यों आपको पाखंड नजर आता है इसमें? देखिए सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को और आपके सारे दर्शकों को रामनवमी की बधाई हो। और जो ये देश चलता है संविधान से, और संविधान आज्ञा देता है कि सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के पालन का अधिकार देता है, और निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहते हैं कोई भी राजनीतिक दल किसी धर्म का ठेकेदार बने ये बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण बात है। निश्चित तौर पे ये पूरे देश का पर्व है, हमें बड़ा गर्व है और पूरा देश हर्षोल्लास से इसको मना रहा है, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, जितने पहली साथी जी। जी जोशी जी,
मैं आपको कह रहा हूँ हमने सबको बधाई दी है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बधाई देने का काम करा है। तो दोषी साहब वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो हम कह रहे हैं सर, वही तो हम सवाल उठा रहे हैं कि आप बधाई भी दे रहे हैं, आप बधाई भी दे रहे हैं, आप मना भी रहे हैं, फिर चीनी नुक्ता क्यों कर रहे हैं सर? आपको पाखंड क्यों नजर आता आपके नेताओं को? आप भी मनाइए, आप चले जाते, आप लोग वहां का अयोध्या चले जाइए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं अयोध्या चले जाऊं, मथुरा चले जाऊं, मैं तो कल ही रात मथुरा से आया हूँ। ये तो मेरा धार्मिक आस्था का प्रश्न है, मेरा विषय वस्तु है। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हम नुक्ता चुनी नहीं चल रहे। जब भारतीय जनता पार्टी जब राजनीतिक जमीन कमजोर हो जाती है, वो धर्म की आड़ में छुपना चाहती है और हम उसको धर्म की आड़ में छुपने नहीं देंगे, क्योंकि जो मुद्दा है वो इस देश का किसान है, इस देश का युवा है, इस देश की सर। आप राम के नाम पर ये सवाल उठा रहे हैं, ठीक है जोशी साहब, आप राम के नाम पर। प्रियंका मौर्य वो कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में आप छिप रहे, अपनी नाकामियों को छिपा रहे, कमजोर होते हैं तो राम का नाम आप गुनगुनाने लगते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जहां अहंकार होता है वहां ज्ञान शून्य हो जाता है। और यही समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है कि अहंकार इतना इन लोगों के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है, इतना द्वेष इस जनता के लिए बैठा हुआ है कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहां इनको क्या बोलना चाहिए। ये टीका टोपी लगा करके मुख्तार अंसारी के यहाँ चले जा सकते हैं, लेकिन वही टीका टोपी लगा करके राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे जो बड़ी बड़ी बात करते हैं। ठेकेदार बनाने की ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम की ठेकेदार है। अरे क्या आप पिछड़ों के ठेकेदार हैं? पीडीए पीडीए सिर्फ आप बात करते हैं, लेकिन आप पिछड़ों के लिए आपने क्या किया है? अब अगर मैं बात कर लूं कि जिस तरीके से ये राम के लिए ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप पाखंड की बात कर रहे हैं और पूरे देश से लोग जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने, इसका मतलब कि ये पाखंडी पूरे देश की जनता को कह रहे हैं? इनके हिसाब से देश की, उत्तर प्रदेश की, सब जगह की जनता जो इतनी राममय है, इतनी खुश है राम मंदिर बनने से, वो सब पाखंडी हैं? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पाखंडी नहीं कहना चाह रहे हैं, ये जनता को पाखंडी बना रहे हैं। और ये जो पाखंडी जिसको कह रहे हैं ना, ये जिस तरीके से हिंदुस्तान की, इस देश की जनता के दिल और दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस बार फिर से चुनाव में जनता इनको बताएगी कि पाखंड क्या होता है और अहंकार क्या होता है और आस्था क्या होती है। आप कह रहे हैं कि राम के नाम के पीछे छुप जाते हैं, धर्म के आड़ में हो जाते हैं। सर आप भी तो टोपी वालों के साथ खड़े हो जाते हैं ना तुरंत 2019 में। प्रियंका जी मैं एक जवाब ले लेता हूँ, बाहर निकले और आप तो डॉन के पास पहुंच जाते हैं सोच समझ करके। ठीक है प्रियंका जी मैं जवाब ले लेता हूँ जोशी जी से इनका, ये समझते हैं कि ये ठेकेदार है पिछड़ों के। मैं बता प्रियंका जी, प्रियंका जी एक जवाब ले लूँ आपके 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 सवालों का जवाब ले लेता हूँ। पिछड़ों के नाम पे और कोई नहीं समझ में आता है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि इन्होंने हमारे पार्टी के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पे इतनी अभद्र टिप्पणियां इन्होंने करी हैं, जनता इनको इस बार जवाब देगी। ये समाज का, मौर्य समाज का लौटूंगा प्रियंका जी आपके पास, एक बार जोशी जी से एक रिएक्शन ले लूं मैं। अरे आपके सवालों पर प्रियंका जी मैं जवाब तो ले लूं, एक मिनट जल्दी जोशी जी एक मिनट, क्योंकि जगत गुरु रामदेवेश्वर जी हमारे साथ हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है, 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब देखिए, परीक्षाएं लीक हो रही है उत्तर प्रदेश में। अरे सर उस पर तो जवाब दीजिए ना जोशी जी, ये कह रहे हैं आप भी तो अंसारी साहब के पास, अंसारी साहब की मौत हुई और आप चले गए, आपके लिए तो अंसारी साहब है ना, आप तो चले गए सर। आपने प्रियंका जी को पूरा मौका दिया, मैं देश के युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के मुद्दे बता रहा हूँ। क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, काला धन की बात हुई थी, उसका जवाब कौन देगा? मुद्दे की बात तो ये हो रही है तो इस पे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप पाखंडी इस देश की जनता को कह रहे हैं। सर मुझे बोलना है या प्रियंका मौर्या को बोलना है, किसको बोलना है सर? ये इनके टाइम में मैंने बिल्कुल सभ्यता दिखाई, ये असभ्यता दिखा रही है।
चलिए ठीक है, जोशी जी आप भी मत बोलिए, प्रियंका जी आप भी मत बोलिएगा, रुक जाइए, जगत गुरु रामधीरेशाचार्य जी भी है, एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं फिर आप बोलिएगा। रामधीरेशाचार्य जी कैसे देखते हैं राम के नाम पर यहाँ सियासत हो रही है, क्या ये सही है? देखिए पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को श्री राम नवमी की जो है हार्दिक बधाई देता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अभी इस देश में राम के नाम पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी जो बात ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है पाखंडी लोगों का काम है, तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा ने राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया है। भाजपा ने तो किसी को यहाँ बुलाया नहीं, या तो कोई उनकी पार्टी का व्यक्ति आया नहीं। अगर डिजिटल माध्यम से भगवान श्री राम का जब सूर्याभिषेक हो रहा है उस दृश्य को देखकर कोई प्रणाम करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए किसी को रोका गया है कि आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस बात का आपको डर है कि भारत की जनता राममय है और राममय जो जनता है वो मेरे पक्ष में आने वाली नहीं है, तो हम इस बौखलाहट में आकर के दूसरे को पाखंडी कह दें और दूसरे की आस्था पर प्रश्न उठा दें। आपकी आस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठाता है, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपने क्या क्या किया, सरकारों में सब लोग जानते हैं कि भारत उत्तर प्रदेश में और भारत में क्या क्या हो रहा है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं उठाता है। आस्था के विषय भगवान श्री राम है, त्रेता युग के बाद पहली बार ये दृश्य भारत की जनता को देखने को मिला। राम जी का जब जन्म हुआ था तो सूर्य एक महीने तक अयोध्या में रुक गए थे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रवि समेत रथ था क्यों निशा कवन बिरे हुए। तो 500 वर्षों के बाद नहीं, युगों के बाद, त्रेता युग के बाद पहली बार वो दिव्य आलौकिक भानु ने भानुकुल के भाल पर तिलक किया है। इस दृश्य को देखकर देश के प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री, देश का राग रहने वाला नागरिक, राम दिनेशाचार्य जी आपने एक बहुत बड़ी लाइन दी, एक बहुत बड़ी लाइन दी, और मैं वही सवाल भास्कर जी से बात करूंगा। भास्कर जोशी जी आप ये बताइए ना, ये ना तो बीजेपी का कोई कार्यक्रम था, ना यहाँ कोई बीजेपी नेता पहुंचा इस बार, तो ना तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, वो तो खुद एक बैठकर प्लेन में देख रहे थे, सब लोगों ने देखा, टीवी पर देखा, कार्यक्रम हुआ, करोड़ों लोग आप देख ही रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। सर आप एक, आपको नहीं लगता कि आप एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप सवाल उठा देते हैं? देखिए ना, इधर की बात करने से होगा ना उधर की बात करने से होगा, ये काफिला क्यों लूटा ये देश जानना चाहता है, और काफिला लूटा है युवाओं का, जब वो 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से 20 करोड़ नौकरी का हिसाब देश के प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। काले धन का 140 करोड़ लोग कह रहे हैं कि काले धन का क्या हुआ जो आने वाला था, काला धन तो छोड़िए, सफेद धन चला गया देश का, और किसानों की आय दुगने की मांग हुई थी, किसानों का स्वागत किलो से हो रहा है, किसानों पे आंसू गैस छोड़ी जा रही है, उनकी हत्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है, और बढ़ती हुई महंगाई का बात हुई थी, 400 का सिलेंडर 1200 में पहचाने की बात हुई थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, एक स्मार्ट सिटी दिखा दी अपने चैनल के माध्यम से, और आज प्रदेश के 140 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, जो सांसदों ने जो गांव घोल दिए थे वो पंचायत घोल में। भुवन जी एक छोटा सा मैं आपसे जनता पार्टी इधर की बात कर रहे हैं। भुवन जी एक छोटा सा एक मेरा छोटे से सवाल का जवाब दीजिए सर, बस एक छोटा सा, फिर मैं रिएक्शन लूंगा इस बात पर, प्रियंका जी जवाब देंगे आपको। भुवन जी आप ये बताइए, आज जो सब हुआ देश ने देखा, लेकिन अच्छा खासा था, अगर राम गोपाल यादव जी बयान नहीं देते, इसे पाखंड नहीं बताते, तो सर इनको मौका ही नहीं मिलता आपको घेरने का। अब ये फिर यहाँ मार्केटिंग करें, आप ही तो इनको दे रहे हैं, आप इनके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि राम के नाम पर ये फिर हिंदू धर्म के लोगों को अपनी तरफ करेंगे, फिर ये कहेंगे कि देखिए समाजवादी पार्टी तो राम विरोधी है, इनको आप ही तो मौका दे रहे हैं सर, आप मत दीजिए इस तरह के विवादित बयान। अब बताइए जोशी जी, मैंने कुछ गलत कहा तो बताइए आप। अब की बार का जो चुनाव हो रहा है देश का, ये केवल 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर हो रहा है। हम लोग इधर की बात ना करेंगे ना उधर की बात करेंगे, जो वादे करे थे पहले वादे आपके जुमले हो गए, माननीय अमित शाह जी ने कहा, और जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। लोग तो उनको लेके, मैनिफेस्टो लेके जनता तैयार बैठी है, ये घरों में जा रहे, क्या व्यवहार हो रहा है वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो पूरे चैनलों में चल रहा है जो चैनल दिखाना चाह रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की मातृशक्ति की लड़ाई है, वो 10 साल से रिपोर्ट कार्ड भाग रहे हैं। जोशी जी, आप इनको खुद मुद्दा दे रहे हैं, आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। प्रियंका बाबा जी, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप राम का सहारा ले रहे हैं, ठीक है प्रियंका जी? देखिए, इन मैं तो बार बार ये चीज कह रही हूँ कि ये आस्था का विषय है जिस पे बात हो रही है, और ये पाखंडी इस देश के जनता को कह रहे हैं, ये राम के हो ही नहीं सकते। इन ये साफ कह रहे हैं कि हम पाखंड नहीं करते हैं। तो अरे, आपको अगर आपको पाखंड नहीं है तो आपको राम के दरबार में जा में क्या लगता है? और आप डर चुके हैं, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि इस देश में कौन है जो इस देश को आगे ले जाएगा। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, ये पहला चुनाव है जिसमें मुद्दा अलगाववाद नहीं है, पत्थरबाजी नहीं है, आतंकवाद नहीं है, उग्रवाद नहीं है। ये पहला चुनाव है जो हो रहा है विकसित भारत पे, और विकसित भारत की तरफ ये अब चल रही है जनता। जनता ये देख रही है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मोदी जी के संरक्षण में, ये देश किस तरीके से विकासशील हो रहा है। अब ये जितनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं, विकास तो बहुत सारा हुआ है जो कभी भी विपक्ष को नजर नहीं आएगा। हर डिबेट्स में हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। एक और चीज मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि कब निकलेंगे ये अपने गुंडागर्दी वाले व्यवहार से बाहर। अभी मुख्तार अंसारी की बात हमने की, अतीक अहमद की बात, आप देखो ये साफ कहते हैं मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं कि हमारी अखिलेश भैया से बात हो गई है, और इस बार जब हम आएंगे तो हम फिर से सबको सबक सिखाएंगे, सरकारी अफसरों को 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होने देंगे। 2022 में इनके अखिलेश जी ने कहा, ये पुलिस वालों तुमको देख लेंगे। अभी सबने सुना कि शिवपाल जी ने कहा कि अगर वोट नहीं दोगे तो सबका हिसाब होगा। कैसे आप वोट लेना चाहते हैं? किस तरीके की राजनीति करते हैं आप? पीड़ियों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, ठेकेदार बनते हैं। लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि जो हमारे मौर्य समाज के शौर्य हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं केशव जी, उनके लिए कैसे आपने अभद्र टिप्पणियां करी? उन्होंने उल्टा सीधा आपने ये बोला। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपने केशव जी को ये नहीं बोला है, पूरे मौर्य समाज को बोला है, और मौर्य समाज जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप चुनाव मौसम में राम नाम को ज्यादा जब जीत ना सके, बस आपको वोट देते रहे, आपको सपोर्ट करते रहे। तो पिछड़ों की राजनीति आप बंद कर दीजिए, जनता को समझ में आ रहा है। देखिए, मैं नहीं, मुझे बोल दीजिए, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। 2014 नहीं, आप राम का नाम ज्यादा नहीं जप रहे हैं चुनावी मौसम में। बार इनको नकारा है जनता ने, और इस बार भी नकारेगी, क्योंकि इनको अहंकार बहुत है, और गलत शब्दों का ये हमेशा गुंडागर्दी जिस तरीके से दिखाते हैं जनता के बीच, इसका पूरा पूरा असर है, और जनता इस बार फिर से वोट देकर के इनको। ठीक है प्रियंका जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रियंका जी, मैं लौटूंगा। जगत गुरु राम देरेशाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जगत गुरु राम देरेशाचार्य जी भी लड़े। मेरे सवाल तो आपने लिया ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि बार बार आपको भी चुनावी मौसम में राम नाम लोग आप ज्यादा ही जप रहे हैं ना, आपको भी तो हिंदू वोट चाहिए ना। प्रियंका जी, जल्दी से जवाब दीजिए मुझे, फिर राम देरेशाचार्य जी से बात करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबका वोट चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे कार्य करती है। हमारा सिर्फ ये मोटिव नहीं है कि हम आपस में लोगों को लड़ाएं, धर्म के नाम पे राजनीति करें, ये भारतीय जनता पार्टी का आचरण नहीं है। हम कार्य करते हैं सबके लिए करते हैं, जो योजनाएं निकलती है वो सब। चलिए, आप सबके सबका साथ सबका विकास की बात करें। राम देरेशाचार्य जी, बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है, राम मंदिर के मुद्दे को ज्यादा उठा रही है, क्या वाकई में उनको नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि वो शुरू से वकालत करते हैं राम मंदिर की, और विपक्ष को फिर दिक्कत होती है, क्योंकि विपक्ष भी एक विशेष वर्ग को खुश करने में लगा है। अब अंसारी पर तो कुछ भी नहीं बोले जोशी साहब, क्या अंसारी के परिवार के वहां पहुंच गए, अखिलेश यादव भी पहुंच गए, अभी कह देंगे राम मंदिर चले जाओ तो नहीं जाएंगे, अंसारी साहब के वहां चले गए जो इनके लिए साहब रहते हैं वो। जी राम देरेशाचार्य जी, राम देरेशाचार्य जी मुझे सुन पाए आप? जी चलिए चलिए, जोशी साहब एक बहुत बड़ा सवाल, वही मैं जो अभी आपसे कर रहा था। जी देरेशाचार्य जी, आप जुड़ गए हमसे? मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मेरी?
जी जी आ रही है, आप जुड़ गए दिनेश आचार्य जी। जी जी आप मेरे सवाल सुन पाए सर? जी मैं हूँ, बताइए। जी जी आ रही है आपकी आवाज, बताइए फिर से एक बार बताइए। आप मेरा सवाल सुन पाए सर? सर आपको लग रहा है कि नहीं बताइए, जहाँ बीजेपी राम मंदिर के मुद्दा था, बीजेपी का एजेंडा रहा है हमेशा से राम मंदिर, तो वो उसका जाप करेगी क्योंकि उसको हिंदू वोट चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी भी राम मंदिर पर इसलिए सवाल उठा रही है कि उसे एक विशेष बार खुश करना है, क्या आपको लगता है सर? नहीं नहीं आप एक बात ये समझिए, समाजवादी पार्टी हो या जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, उनको एक बात समझना होगा कि विरोध मोदी जी का करना है, योगी जी का करना है या राम जी का करना है। विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो मोदी जी और योगी जी का विरोध करते करते राम जी पर उतर आते हैं और इस बात को वो समझ नहीं पाते हैं। मैं एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आज का जितना कार्यक्रम हुआ रामनवमी का, उसमें कौन सी जो है पार्टी ने काम किया, इसमें भाजपा का क्या श्रेय देने का बात हो गई? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि ये पाखंडियों का कार्यक्रम है। ये कहने से पहले एक बार अयोध्या की तरफ देखना चाहिए, ना कोई राजनेता इसमें आया, ना तो कोई जो है बड़ा नेता इसमें आके खड़ा हुआ है। भारत की जनता भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था के केंद्र है, जन जन के राम है, प्रत्येक प्राणियों के प्राण में बसते हैं, अगर उनके भाल पर भानु का तिलक, यही बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है। राम दिनेश आचार्य जी ये पॉलिटिकल कोई कार्यक्रम नहीं था, करोड़ों लोग पहुंच रहे थे, आस्था थी। रामनवमी हमारे देश में हर साल मनाई जाती है, इस बार भव्य और दिव्य मनाई गई क्योंकि अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, लेकिन उस पर भी सियासत हो रही है। जल्दी से कहिएगा सर। हाँ एक बात मैं एक बात और कहना, जैसे कि रामलला की होड़ है और भाजपा राम राम कर रही है तो सदा से कर रही है, और इसके लिए तो आप लोग ही जो विपक्षी पार्टी यही कहते हो कि राम के नाम पर चले, बिल्कुल तो आपके